देवघर के सलौना थाना निवासी भीम माथा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अपने स्कूटी पर सवार होकर अपने आवास सलौना थाना से SBI ट्रेनिंग सेंटर की ओर जा रहा था, तभी पीछे से अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और स्कूटी पर सवार मृतक भीम माथा को जब गोली लगी तो वो नीचे गिर गए और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और आनन फानन में घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सक द्वारा भीम माथा को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही देवघर जिला के पुलिस अधीक्षक खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। SP ने घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। वहीं मृतक के परिजन द्वारा जमीन विवाद में हत्या होने की बात कही जा रही है। मृतक के परिजन के अनुसार मृतक का अपने मौसी से पिछले कुछ महीनों से जमीन विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और यह पूरा मामला देवघर के नगर थाना क्षेत्र के सलौना टाण का है। ओ बुढ़ारी पर कायम मूड है, वहाँ वहीं पर गोली मार लग रहा केकरो पर शक शक की जमीन जगह के लिए लफड़ा चली रहल चलो केकरा से अगर मौसी साथ कहिए से यही 6 महीना 7 महीना हो गया। अरे आपका सलोना सलोना वही फोन किया? हाँ वही फोन किया, मेरा लड़का के पास फोन किया ना, तो वही घर में था। वो 4 बजे घर से निकला, उसके बाद एक लड़का गया घर खोजने के लिए, तो हम बोले कि अभी तुरंत निकला है, फोन करके इसको बताया कि आया था रिंकू खोजने के लिए, तो बोला कि ठीक है हम फोन से बात कर लेंगे। उसके बाद हम अपना घर में खाना चूल्हा चौका करने लगे। उसके बाद जब कॉल गया, मेरा बड़ा 16-17 साल का लड़का है, उसका पास कोई बच्चा किया मोहल्ला का, बोला कि बल देखिए तुम्हारा चाचा का गोली मार दिया, तो हमको बोला कि मम्मी देखे चाचा गोली मार दिल के। अब हम लोग दौड़े घर से, दौड़े तो देखते हैं वहाँ ऐसे लाश पड़ा हुआ है, कोई इसका पास नहीं है। ठीक, अब और जमीन जगह के विधायक लग जगह 6 महीना से लफड़ा चल रहा था इस समोसी से, और वही कारा कौन मारा हम लोग तो देखे नहीं सर, क्या बताएं किसका नाम दे दें। रिलेक्शन था क्या, कौन लगेगा आपका? देवर लगेगा, जो सोचे देवर सोचे, चाहे पति पत्नी सोचे, पति सोचे, उसका कोई नहीं था, मेरा भी कोई नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनु देवी, और मेरा पति है, मतलब उसका थोड़ा दिमाग है, खाना पीना सब चीज़ यही है मेरा पूरा था। इसका बहन लोग सब जानता है, ये उसका बहन हुआ, तो ये लोग 3 बहन है, तो 3 अपना अपना घर में है सर। वो अकेला था, तो हम खाना उसको बना के खिलाते थे, कपड़ा लत्ता सब करते थे, गोड़ हाथ उसका, तो वो भी हमको सारा चीज़ घर में जितना खर्चा होता है सब वही हमको पुराता था। कि कृष्णापुरी जगह है, यहाँ पे जो गुमटी के अंदर उनको सवाल ले गया है, तो लड़का जो सवाल में आकर उसको 3 गोलियाँ मारी हुई बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उसको ले जाया गया। उसे मार्केट सर घटनास्थल से कुछ हुआ नहीं, घटनास्थल से घटनास्थल से 5 कार्ट्रिज बरामद हुए थे। कितनी गोली मारी गई कुछ जो अभी तक प्राइमरी सूचना है वो 3 गोली की है, लेकिन 5 कार्ट्रिजेस बरामद हुए तक। उसको जो घायल है क्रिटिकल इंजर्ड है, उसको कितनी गोली लगी क्योंकि वो हॉस्पिटल में लेके डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद। तो ये मृतक क्या करता था कुछ इसके बारे में? अभी ये कुछ जमीन का इनका कुछ विवाद बता रहा है, ये दिव्यांग है, उसके बारे में बताता हूँ कि ये ड्रग्स पेडलिंग का भी काम करते हैं। और ड्रग स्मगलर? ड्रग पेडलिंग, ड्रग स्मगलर।